सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो दोस्तों, देखो फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर ऑन है या ऑफ, ये कैसे चेक करते हैं, और अगर ऑफ है तो उसको ऑन कैसे करते हैं। ठीक है, विंडोज 10 पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोज देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। तो देखिए, विंडोज डिफेंडर ऑन है या ऑफ इसको चेक करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ देखिए सर्च का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जाकर के हमको टाइप करना है विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। ठीक है, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल देखिए ऊपर आ गया, बस इस पर क्लिक कर दीजिए तो विंडोज डिफेंडर फायरवॉल का पेज ओपन हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पर ऑन कर रखा है तो स्टेटस देखिए यहाँ पे ये ऑन दिखा रहा है, देखिए लिखा हुआ है विंडोज डिफेंडर फायरवॉल स्टेट ऑन। ठीक है, अगर आप में ये ऑफ है तो यहाँ पर ऑफ दिखाएगा। तो इसको ऑन करना भी बहुत आसान है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर हमको जाना है टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ, इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये देखिए सेटिंग का एक पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहले वाले पर चेक, ये जो चेक मार्क यहाँ पे ग्रीन वाला बना है यहाँ पर टिक होना चाहिए। ठीक है, टिक मतलब यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है हमें, अगर आपका ऑफ है तो यहाँ पर सेलेक्ट होगा। ठीक है, बस इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर दूसरे वाले ब्लॉक में आपको चेक मार्क करना है। ठीक है, नोटिफाई मी व्हेन विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ब्लॉक एनी ऐप, अगर विंडोज डिफेंडर फायरवॉल कोई ऐप ब्लॉक करता है तो आपको वो नोटिफाई करेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी पहले वाले को सेलेक्ट कर लीजिए, दूसरे वाले को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टर्न ऑफ कर देगा, यहाँ पर नॉट रिकमेंडेड लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो दोनों में फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहले वाले को सेलेक्ट करिए, दूसरे वाले ये रेक्टेंगल जैसा बॉक्स बना है इसको चेक मार्क करिए, इस यहाँ पर भी पहले वाले को सेलेक्ट करिए, दूसरे वाले रेक्टेंगल को चेक मार्क करिए और इसके बाद नीचे ओके करना मत भूलिएगा क्लिक। ठीक है, ये देखिए नीचे ओके का साइन है, इस पर क्लिक करते ही आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी और यहाँ पर ऑन दिखाने लग जाएगा। ठीक है,